आज जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, विशेष अपील आपसे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही संगीन घटना है जिस घटना को लेकर हम पिछले 5 रोज से मौलासर में धरना दे रहे हैं। मौलासर नागौर ज़िले में है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, तमाम साथियों से निवेदन है कि आप इस घटना को आम जन तक पहुंचाएं और ये राजस्थान की सरकार है, निकम्बी सरकार है, इसको भी होश में लाने का काम करेंगे। अनिल जी हैं मेरे साथ में, रवि जी हैं, गोपाल जी हैं। जय भीम साथियों। तो जितने भी साथी इसको देख रहे हैं, बात को रखेंगे, पूरी घटना क्या है वो भी आपके साथ रखेंगे, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम लोग अभी मौलासर से जयपुर के लिए पैदल रवाना हो रहे हैं। पैदल होने की रवाना होने की वजह क्या है, ये सारी बातें आपके साथ साझा हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात को रखें, तमाम साथियों को आप जोड़ने का काम करेंगे। मैं साहब सबसे क्रमबद्ध निवेदन करता हूँ। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जयपुर के लिए कूच कर रहे हैं। कारवा आगे चल रहा है, इसी तरह से पीछे भी चल रहा है, गाड़ियाँ हैं। हम कम से कम 300-400 लोग हैं जो पैदल रवाना हुए हैं मौलासर से। काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं। मैं और निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फिर हम हमारी बात को रखते हैं। यह घटना है नागौर ज़िले के मौलासर की। मौलासर में आज से 5 रोज पहले एक घटना हुई। गिरधारी लाल मेघवाल ने आत्महत्या की और उनकी बॉडी अभी तक रखी हुई है। उस बॉडी को अभी परिवार ने नहीं लिया है और हम उस बॉडी के पीछे, उस मौत के पीछे जिन हथियारों का हाथ था, जिन लोगों का हाथ था, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर मौलासर से पैदल जयपुर रवाना हो रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि गिरधारी लाल मेघवाल एक गौशाला समिति के अध्यक्ष थे, जो कि बहुत ईमानदारी से काम कर रहे थे। वहाँ के स्थानीय सामंतशाही लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, उनके ये बात पची नहीं, तो उन्होंने गिरधारी लाल मेघवाल को लगातार पिछले 2 महीने से टॉर्चर करना शुरू किया और इतना टॉर्चर किया कि गिरधारी लाल मेघवाल मजबूर होकर अपनी सुसाइड उनको करनी पड़ी। सुसाइड करने से पहले उन्होंने एक आत्महत्या नोट लिखा, सुसाइड नोट लिखा, और उस नोट में सुसाइड का कारण भी लिखा। तो स्पष्ट है कि किन लोगों ने उनकी हत्या की है। नामजद 6 लोग हैं, सारे लोग मौलासर के आसपास के ही हैं, बड़े कोई अपराधी नहीं है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी भी अपराधी को पकड़ा नहीं है। कारण यह है कि स्थानीय राजनेताओं ने उन आरोपियों को बचाने का काम किया है। स्थानीय जो राजनेता हैं पिछले 4-5 सालों से इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहते हैं और अपराधियों को पकड़ने की बजाय, अपराधों के ऊपर लगाम लगाने की बजाय पीड़ितों के ऊपर टॉर्चर करते हैं ये लोग। चाहे वो पहले की पालोट की घटना रहे या फिर यहाँ की जमीनी दबाने की बात रहे, बावड़ी की घटना रहे, या फिर और भी बहुत सारी घटनाएं, हमारे पास लंबी लिस्ट है एक। तो यहाँ का शासन और प्रशासन अपराधियों के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर पीड़ित परिवारों को दबाने का काम करता है। आज 5 रोज हो गए, एक परिवार ने खाना नहीं खाया है। जिस परिवार में रोटियाँ नहीं बनी है, चैन से सो नहीं पाया है, आँख में आंसू नहीं पाया है, आ रहा है, और बॉडी रखी हुई है। गिरधारी लाल जी की माता जी अभी जिंदे हैं, उनके सामने उनके बेटे की डेड बॉडी रखी हुई है। आप मान सकते हैं वो लोग जिंदा नहीं हैं। इस घटना से परिवार इतना परेशान हो गया कि हमें न्याय चाहिए, आरोपी की सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी चाहिए, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें गिरफ्तारी चाहिए। लेकिन यहाँ का स्थानीय विधायक जो है बचाने में है, कांग्रेस है, लगातार इस तरह की घटनाओं के ऊपर चुप है। जो अनुसूचित जाति जनजाति के वोटों के ऊपर राजनीति करती है, ये चुप है बिल्कुल, और मजबूर होकर आज 5 दिन के बाद हमें मौलासर से जयपुर के लिए पैदल जाना पड़ रहा है। परिवार हमारे साथ में है, बॉडी अभी नहीं ली है, ना ही पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम भी तब होगा जब 6 के 6 आरोपियों को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, हमने ऐसा कहा है, और हम तब तक वापस नहीं लौटेंगे, चाहे हमें मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े या फिर कोई भी परिणाम रहे, हमें मंजूर है। इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और जहां पर भी आप बात को सुन रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से आते हैं, तत्काल प्रभाव से इस आंदोलन से जुड़ने का आप काम करें।
क्योंकि अगर जिस परिवार में डेड बॉडी रखी हुई है वो परिवार अगर न्याय के लिए पैदल जा रहा है तो हमारी नैतिकता बनती है, हम सामाजिक व्यक्ति होने के नाते इस आंदोलन से जुड़े। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर अधिक से अधिक संख्या में इस आंदोलन से जुड़ने का काम करेंगे, जिससे परिवार को संबल मिले और इस तरह की घटनाओं के ऊपर बैन लगे। मेरे साथ में अनिल जी हैं। साथियों जय भीम। पिछले 5 दिन से नागौर जिले के मौलासर में इस आत्महत्या प्रकरण को लेकर के सभी सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पीड़ित परिवार बैठा है, पीड़ित परिवार को न्याय की मांग को लेकर के हम बैठे हैं। प्रशासन से हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है जो नाजायज हो। जायज मांगों को लेकर के अगर समाज के लिए लड़ना पड़े, समाज के लिए संघर्ष करना पड़े या पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा तो हम आएंगे। सरकार चाहे किसी प्रकार की तानाशाही बरते, चाहे किसी प्रकार की हिटलरशाही बरते। हमारे साथ में जालौर से गोपाल जी परमार हैं। जय भीम। साथियों, इतनी बड़ी घटना हुई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जो 4 मुजरिम पकड़े गए उनको प्रशासन ने डिटेन किया है और झूठा आश्वासन दिया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँ, मैं खुद बीमार हूँ लेकिन भाई को न्याय दिलाने के लिए पहले जयपुर पुलिस को कर चुके हैं। जय भीम। आपसे मैं दोबारा निवेदन करता हूँ कि जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह हैं, तत्काल प्रभाव से आप इस आंदोलन के साथ जुड़े, इस पैदल कूच के साथ जुड़े। जिस समाज की बॉडी रखी हुई है और वो समाज पैदल अगर मार्च कर रहा है, अगर हम इस आंदोलन से इस स्थिति में नहीं जुड़ते हैं तो हमारा जमीर मरा हुआ है। नेताओं से भी निवेदन करता हूँ, इस तरह की घटनाओं के ऊपर आप आँख खोलना शुरू करें और बोलना शुरू करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप अधिक से अधिक संख्या में इस आंदोलन से जुड़ेंगे और इस परिवार को न्याय दिलाएंगे, साथ ही प्रदेश में हो रही घटनाओं के ऊपर भी लगाम लगेगी, मुझे इस तरह की उम्मीद है। धन्यवाद।